तीन महीने फिर कह रहा हूँ भाई गेम चेंज कर दूंगा। और मेरे को बताया मतलब आप सब लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, मेन पर्पस ब्लॉग स्टार्ट करने का ये नहीं है कि मैं लीन हो रहा हूँ इसलिए मैं अपने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मेन पर्पस ये है कि जो मुझे देख रहा है ना वो मेरे से कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट होता है ना और बोलता है कि हाँ भाई अगर साहिब कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ। सो दिस इज द रीजन आई जस्ट वांट टू शो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भाई हमने ऐसा प्लान करा है कि हम सैटरडे को भी जिम करेंगे, हाँ। संडे को भी, मंडे को जिम दिल्ली से करके वापसी यहाँ पे आएंगे। दिल्ली क्या करने आ रहे हैं? ऐसी चिल मारने चलना है? चिल मारने? नहीं नहीं यार चिल मारते हैं, आ जा। सो व्हाट्स अप गाइस, सारे वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम बिल्कुल एक्यूरेटली और बिल्कुल टाइम पे जिम पहुंच रहे हैं। आई होप आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वापस से व्लॉग करके विद फुल एनर्जी। अब यार सीन थोड़ा ऐसा हो रहा है, मैं अभी सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे ने फ्रेंड का इन्विटेशन आ रखा है कि उसका संडे को बर्थडे है दिल्ली में, और उससे पहले एक मेरे दोस्त का एक और इन्विटेशन आ रखा है कि भाई यार कुछ हो जाए सैटरडे को तूने दिल्ली आना, हमने पार्टी करनी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा मन तो बहुत है बट हम जिम भी कर रहे हैं, सो आई नीड टू फिगर आउट कि मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि सैटरडे को जिम करूं, फटाफट से जल्दी सुबह दिल्ली निकलूं, सैटरडे को पार्टी करी, फिर अगले दिन सोऊं अपना होटल में, जिम जुम करा बढ़िया करके, छिल मारा, स्विमिंग करी, उसके बाद थोड़ी देर दिल्ली दिल्ली घूमे, थोड़ा अपना काम करा, दोस्त के बर्थडे पे गए और वहां से मतलब बर्थडे अटेंड करने के बाद वापसी। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। तो फाइनली गाइस वर्कआउट हो चुका है और मैंने ट्रेडमिल पे 300 कैलोरीज भी बर्न कर दी हैं, ये देखो 300। एंड ब्रो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल द वर्कआउट। भाई ये बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है ना भाई, एक एक एक्सरसाइज खड़े होकर करवाता हूँ, थैंक यू भाई। बाकी कल हम जा रहे हैं, बताइए ना। हाँ मैंने बता दिया, अच्छा बता दिया। मैंने बताया था कि मेरा प्लान कंफ्यूजिंग है बट इसने भी मुझे पूछा भाई शॉपिंग करने चलेंगे दिल्ली, मैंने कहा बहुत बढ़िया लेट्स गो फॉर सम शॉपिंग। मैं ना पहले इस भाई के साथ जिम करता था, अभी सोच रहा हूँ गर्म कॉफ़ी, तो मैं ना पहले इसके साथ जिम करता था बट ये ना टाइम पे आता नहीं था, हम ज़्यादा अर्ली हो गए, ये ज़्यादा लेट हो गए। जस्ट अर्ली अर्ली भी तो तुम 6 बजे आते हो सुबह, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ 11 फाइट डाली थी ना मैंने, देखा भाई क्या क्रेजी था, और थोड़ा हमारे साथ भी कर लग रहा है यार साहिब। तो तू आज कल भाई, कल तो हम दिल्ली जा रहे हैं, अगर अगर आ सकता है कल सुबह आ जाइयो। एंड गाइस सी दिस यार, हमारे जिम के बाहर कितना मतलब महा सा वो एक स्टैचू बना हुआ है, यहाँ आके फील आ जाती है, ऐसी बॉडी बनानी है भाई, ये ऐसी बॉडी, ऐसी छाती करनी है। ये पता किसका वो है अवतार है, ये देखो ये हमारे भाई जा रहे हैं ना, ये इनकी फोटो बनाई हुई है, इनकी फोटो बना रखी अवतार है इनका। तो आज क्या किया तुमने भाई? आज हमने मारे बाइसेप्स, गैरी चला गया, गैरी के अंदर है। अच्छा भाई हमने ऐसा प्लान करा है कि हम सैटरडे को भी जिम करेंगे, संडे को भी, मंडे को जिम दिल्ली से करके वापसी यहाँ पे आएंगे। दिल्ली क्या करने आ रहे हो? ऐसी चिल मारने चलना है? चिल मारने? नहीं नहीं यार चिल मारते हैं, आ जा। तो भाई अभी हम कैफे गए, हमने जाके खाए बॉइल्ड एग्स और हमने खाए अंडे, सिर्फ अंडे और बॉइल्ड एग्स, क्योंकि मेरा वे प्रोटीन रह गया घर, तो हमने कहा चलो कैफे चलते हैं। और कैफे में बैठ के ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो होता है कि एक ना क्रिएटिविटी मिलती है, मतलब आप लोगों को देखते हो, एक अलग एनवायरनमेंट पे बैठते हो, सो दिमाग अलग लेवल का चलता है, तो वो वाला सीन है। बाकी चलो यार थोड़ा देख के रोड क्रॉस करते हैं, ऐसा ना हो ये लास्ट ब्लॉग हो गया, मैं इतनी मोटिवेशन से ब्लॉगिंग के चक्कर में पड़ा हूँ और मेरा लास्ट ब्लॉग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पंप कम है पर ठीक है। इसके वो गैस मारोगे डोले कितने इंच के होंगे? वेरी नाइस, ये ऐसी मेरी हो जाएगी 3 महीने बाद, पहले देख लो मैं आज से छोड़ रहा हूँ जिम करना, देख लो बस ये होगी मेरी बॉडी, वो बन गई। सो गाइस बस अभी अभी जिम से वापसी आया हूँ, अब ऊपर जाने की तैयारी है, अभी मटन लेके आना, बट देखो ना मटन लाने में बड़ा आलस आता है, मेरा भाई लेने जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली दिस इज अ लेजर, इसके अंदर सारे आपके पैसे स्टोर होते हैं, जिसको नहीं पता तो ये बेसिकली अगर ये खो गए तो सारे पैसे खो गए, मतलब मेरे पास कोड्स होते हैं वो रिकवर हो जाता है, आपके पास इसका पासवर्ड नहीं होगा या आपके पास इसकी सारी डिटेल्स नहीं होंगे, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। सो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा था, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। गाड़ी लिटरली स्टोर रूम बनी हुई है, तो गाड़ी देने जा रहा हूँ वॉशिंग के लिए, तो तब तक मैं वापस आऊंगा, मेरे को यहाँ पर भी काम है, मतलब थोड़ी पढ़ाई करनी है। तो गाइस गाड़ी देने से पहले ना सबसे पहला काम ये है कि मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ कि गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं पड़ा, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कुछ ना कुछ रह जाता है, गाड़ी में अपना कुछ भी सामान नहीं है, बस आगे पैसे पड़े हुए हैं, मेरा ना काम हो गया, अब जितने भी पैसे अपने पास पड़े हैं ना यही पैसे हम गाड़ी वाले को दे देंगे। तो अपने पास
₹500 पड़े हैं और मेरे को लगता है इतने रुपए में भाई अपना काम हो जाना चाहिए। बाकी ये गिन लेना आप, तो ये चलो ये जितने पैसे पड़े थे ना गाड़ी में उतने में ही गाड़ी साफ, गाड़ी धुल गई, तो शायद इसी चीज़ के लिए पड़े थे। तो बाकी अभी हम वी आर गोइंग बैक टू आवर हाउस एंड वे कितनी देर में कर दोगे? देखो पक्का कर देना, बहुत देरी लगाते हो। आधा घंटा पक्की गल है? आधा घंटा, एक घंटे में कर देना, 5 बजे ठीक है। देहरादून में ना जौन सी मर्जी गाड़ी ले लो, मर्सिडीज जैगवार जो मर्जी ले लो, बट जो फन एक्टिवा गया ना वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मतलब भाई बचपन में एक्टिवा में ही घुमा करते थे, अब एक्टिवा में गया बढ़िया सीन, ना ब्रेक ना कुछ, ना सॉरी ब्रेक तो होती है सॉरी, ना गियर ना कुछ, और अपना बढ़िया चिल मारो। बाइक में थोड़ा पंगा रहता है यार, बाइक को ऐसे करके चलाओ मेरे से वो नहीं चलती, बट ठीक है वो भी करना पड़ता है, लेकिन भाई जो मज़ा एक्टिवा गया ना वो किसी चीज़ का मज़ा नहीं। तो भाई गैरी आया स्पेशली, क्या लाया भाई गैरी? भाई मटन लिया आज। भाई की रैंडम मुझे कॉल आती कि भाई मैंने मटन बनाया, मैंने कहा आजा घर, आजा घर, आजा जल्दी से, फिर घर आ गया। सो अभी चलते हैं ऊपर और आज इसके हाथ का मटन टेस्ट करते हैं, कल मेरी दादी ने बनाया था। गाइज मुझे ना इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मेरा गुगलू है ना, ये अपनी प्यारी प्यारी गुगलू, ये किडनैप होने वाली है, पता नहीं क्यों फीलिंग ही आ रही है। हाँ मुझे भी आ रही है भाई, ये मतलब इतनी तारीफ मैंने जब से आई है तब से नहीं करी होगी इसकी जितनी, मतलब इसने दजल हो दिया भाई, प्यार हो गया। मैंने कहा मेरे को दूसरा कुत्ता दिलाया था, कह रहा नहीं भाई मुझे यही कुत्ता चाहिए, मेरे को चौचौ ही चाहिए, कह रहा मुझे चौचौ पसंद है। क्यों मेरी तरह दिखता है रंगू पकड़ियो, देखता हूँ दोनों भाई बहन लग रहे कि नहीं लग रहे यार। भाई ये ना मुझे आजा आजा गुगलू, जा गुगलू, जा भैया पे जा, आपने जा गुगलू, नहीं काटता नहीं है, गुगलू जा दिल्ली जाना है, मैं मेरे पास आ रहा है, तेरे पास नहीं आ रहा, मालिक हो ना ब्रो आप, मालिक असली मालिक के पास ही तो रहेगा भाई। सो फाइनली हम लोगों ने कर लिया है शॉपिंग, बहुत सारी, बहुत सारी तो नहीं, मतलब एक मैंने अपना टी शर्ट लिया, जिन लोगों को पता है मैं अभी हेल्दी हूँ तो मैं सिर्फ काले कपड़े पहनता हूँ, और एक मैंने उस काले को भी कवर अप करने के लिए थोड़े कपड़े लिए। तो ठीक है भाई, हार्ड टाइम्स विल पास ऑन एंड गुड टाइम्स विल कम, जहाँ पे हम बिना हम शर्टलेस होकर भी घूमेंगे। हेलो भैया कैसे हो सर, हाउ आर यू? हेलो सर। भाई मतलब इनका वन ऑफ द बेस्ट स्टोर है, मतलब जब भी डाइट खानी होती है तुम्हारा भाई यहीं आता है, देहरादून में है बर्गरिल के नाम से, और दिल्ली में पंजाबी बाग में है, पंजाबी बाग कह रहा हूँ, रजौरी गार्डन में है ना भैया। एक ये कर दो ग्रिल्ड चिकन एंड राइस, ये थोड़ा इसमें सॉसेस बिल्कुल लिमिटेड रखना, और एक मीटी माइटी सैलेड, इसमें बिल्कुल सॉसेस नहीं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बाकी भाई अपना जो जिम है ना वो बिल्कुल यहाँ से पास है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिम गए और यहाँ पर आ गए, पिछले 4-5 दिन से नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बट मेरे को एक नंबर लगता है, जब मैंने दिल्ली में से देखा था ना तो मेरा मन था कि मैं भी फ्रेंचाइजी ले लूँ, लेकिन बाद में पता लगता है कि भाई देहरादून में घुस गया। तो यार मैंने जब भी शॉपिंग करने जाता हूँ ना मुझे मतलब बड़ा बुरा सा फील होता है, क्योंकि सीन ऐसा मैं हेल्दी हो रखा हूँ तो मैं मतलब मोस्टली ना काले कपड़े ही प्रेफर करता हूँ, तो मेरा मन करता है मैं स्लिम फिट टी शर्ट्स लूँ, कलरफुल टी शर्ट्स लूँ, तो हो नहीं पाता क्योंकि यार ऑब्वियसली जब पहनता हूँ तो बल्कि लगता हूँ, तो थोड़ा डीमोटिवेशन सा फील होता है, बुरा भी लगता है और डीमोटिवेशन सा भी फील होता है, बिकॉज पता है मेरे को भाई जब बंदा लीन होता है ना और वैसे कपड़े पहनता है तो तब मैं क्या लगता था, बट कोई बात नहीं, 3 महीने फिर कह रहा हूँ भाई गेम चेंज कर दूंगा। और मेरे को पता है मतलब आप सब लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे होगे, मेन पर्पस ब्लॉग स्टार्ट करने का ये नहीं है कि मैं लीन हो रहा हूँ इसलिए मैं अपने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मेन पर्पस ये है कि जो मुझे देख रहा है ना वो मेरे से कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट होता है ना और बोलता है कि हाँ भाई अगर साहिब कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, सो दिस इज द रीजन आई जस्ट वांट टू शो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो गाइस फाइनली पैकिंग हो चुकी है और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, मतलब अचीवमेंट वाली फील आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भैया देखो मेरे को आ रही थी बहुत ज्यादा नींद, मैं लिटरली सो गया था और मैं फिर उठा, मैंने कहा नहीं यार पहले पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह उठना वैसे ही नींद में बंदा होता है, दिमाग चल नहीं रहा होता उस टाइम, पैकिंग करना जल्दीबाजी में ना बंदा सामान भूल जाता है, तो ऑलवेज प्लान योर थिंग्स बिफोर गोइंग समवेयर। एंड बाकी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि यार व्लॉग्स में जो जो लोग कमेंट मारेंगे, जो टॉप 3 बेस्ट कमेंट होंगे उनको मैं अपने व्लॉग में अनाउंस करूंगा। पहला कमेंट है वो हमारा हरकीरत सिंह ने, साई ब्रो गुड टू सी यू अगेन, वेयर वर यू, यू हैड नॉट पोस्टेड एनी वीडियो ऑन योर मेन चैनल, लिटरली ऑन मंडे देयर इज माय एग्जाम एंड स्टिल आई एम स्टिल वॉचिंग योर व्लॉग्स, कभी आपकी वीडियोज और व्लॉग्स मिस नहीं करता, थैंक यू भाई, अब रेगुलर आएंगे बस ऐसी सपोर्ट करो प्यार करो। सेकेंड कमेंट है डॉक्टर अनुषा वर्मा का, ऑल द बेस्ट, कीप फोकसिंग ऑन योर गोल्स एंड लव टू सी यू इन द सेम जिम एंड कीप मोटिवेटिंग ऑल थ्रू आउट योर व्लॉग्स एंड जर्नी। एक सेकेंड, अच्छा ये मैम हमारे जिम में आती हैं, हेलो मैम हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड, एंड प्रबलीन कौर, वी ऑल बिलीव इन यू, वी नो यू कैन एंड यू विल, जस्ट बी रेगुलर फ्रॉम नाउ एंड सी योर ग्रोथ, एंड डेफिनेटली भाई प्रबलीन ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, अभी तो मैं इतने दिनों से रेगुलर नहीं था फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी जब रेगुलर होंगे ना आग लगा देनी है, आग है ना।